हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और लास्ट के आधे घंटे के अंदर अंदर आज जो लास्ट के आधे घंटे में हुआ वो एक तरीके से हमें ये लगता है कि जितने भी मंदी करने वाले लोग थे उनके स्टॉप लॉस जहाँ पर भी लगे होंगे वो सब ट्रिगर होते हुए नजर आए। तो आज मंदी के सौदों के ट्रिगर्स जो हैं वो कट गए और मुझे अब लगता है कि जिन्होंने वो ट्रिगर काटे हैं अब वो अब अपनी मंदी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी ये बात मानता हूँ क्योंकि जिस तरीके से बाजार अभी चल रहे हैं यहाँ पर तेज़ी करना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि आप तेज़ी करेंगे अगर उसको दिन में ही काट के आगे तो बात अलग है, अदरवाइज़ किस दिन गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन होने के बाद आप स्टॉप लॉस भी नहीं काट पाएंगे तो उस तरीके की स्थिति मुझे लग रही है। क्योंकि देखिएगा बाजार में आप तेज़ी तो खेल जाओगे लेकिन तेज़ी से निकल पाओगे या नहीं निकल पाओगे, मैं कुछ कुछ ऐसा मान रहा हूँ कि बाजार के अंदर जो तेज़ी के अंदर लोग हैं अभी वो कुछ उसी परिस्थिति के अंदर हमें लग रहे हैं ट्रेडिंग में स्पेशली। जैसे अभी मैनू का जो अगर मैं जिक्र करूँ कि भाई चक्रव्यूह में घुस तो गया लेकिन निकल नहीं पाया, मुझे ऐसी ही स्थिति इस समय पर लग रही है कि बाजार आपको कह रहा है कि आइए आप चक्रव्यूह में फंसिए। और बाजार के अंदर जो इन्वेस्टिंग के अंदर जो लोग हैं वो तो देखिएगा धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो मोमेंटम प्ले कर रहे हैं। और उस मोमेंटम के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है जिसको एक ब्रेकआउट दिखाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि इस ब्रेकआउट के अंदर बिल्कुल चक्रव्यूह की तरह जैसे अभी मैनू फंस गया था और वो वाली स्थिति जो है होने वाली है। जो अर्जुन है वो तो देखिएगा निकल जाएंगे, यानी कि जो माही ट्रेडर्स हैं वो तो एग्जिट कर जाएंगे, बट जो अभिमन्यु हैं इस बाजार के, बाजार शायद उनको दाना डाल रहा है। और इसीलिए मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बाजार के अंदर अभी कैश ही किंग है। और ये आपको भी हो सकता है कि थोड़ा सा और समय लगे बट अभी आप अगले 10-12 दिनों के अंदर इस बात को समझ जाएंगे कि हाँ कैश ही होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। और रीज़न अभी आपके सामने आएंगे नहीं, हालांकि आज जीडीपी के डेटा आए हैं वो जो उम्मीद थी उसी उम्मीद के हिसाब से 6.3% की ग्रोथ जो है दिखाई है। लेकिन जो हमारे बाजार हैं जो इंडेक्स है वो शायद 6.3 के नहीं बल्कि वो 10% जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो बाजार देखिएगा देर सवेर रियलिटी के आसपास आएंगे लेकिन अभी जो है मंदड़िए जो है वो बाजार में फंसे हुए हैं और उनके स्टॉप लॉस आज काटने की पूरी कोशिश की। तो जो कमज़ोर हाथ थे मंदी करने वाले लोग वो आज बाजार ने लास्ट में निकाल दिए, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक शार्प प्राइस जो है आपको देखने के लिए मिला। और ऐसी परिस्थिति में हमने देखा है कि जब मंदड़ियों के स्टॉप लॉस कटते हैं तो जो ट्रेडर्स हैं जो तेज़ी कर रहे हैं अभी तक वही अपनी पोजीशंस रिवर्स साइड बना लेते हैं। तो बाजार जो है बिल्कुल आप मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अलर्ट रह के काम करने का समय। इवन अगर जब बाजार में निफ्टी में करेक्शन आएगी तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में भी एक अच्छे भाव मिल सकते हैं, लेकिन हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी बहुत सारे शेयर्स आपको रीजनेबली प्राइस मिलेंगे आप खाली इंडेक्स के बाहर अगर देखने की कोशिश करेंगे। तो चार्ट देखिएगा निफ्टी का, निफ्टी ने पिछले 5 कैंडल्स में से एक कैंडल वीक थी, 4 कैंडल आपको बता रही है जी तेजी तेजी। और ये जो है एक नया जब हाई लगता है तो बाजार इतना तो देखिएगा चलता है। और बाजार के अंदर जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है सबको ये लगता है कि बाजार 18,900 लगाने के बाद जो है शायद पोज ले सकता है। और देखिए ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं होता है कि भाई 18,900 ही है या आप की इसके बाद से घूमेगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार जो है वास्तव में आपको तेजी करने के लिए आमंत्रित कर रहा है कि आप तेजी करो और जैसे ही आपकी तेजी होगी बाजार मंदा हो जाएगा। तो मुझे पर्सनली यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हम एग्रेसिवली वेट कर रहे हैं। देखिएगा हमारी पोजीशन भी है मंदी की नो डाउट, लेकिन हम एग्रेसिवली वेट कर रहे हैं कि बाजार जब रिवर्स होएगा ना तो बड़ा शार्प रिवर्स होएगा, तो उस समय जो है एक तरीके से ट्रेडर्स के लिए मंदी बनाने का समय रहेगा।
क्योंकि जो भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है अभी, जैसे सपोज करिए आज जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो बैंक निफ्टी में पोजीशन जो है धीरे धीरे करके ऑफलोड कर रहे थे आज, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ऑफलोड कर देगा तो जिन लोगों ने निफ्टी में पोजीशन तेजी की बनाई हुई है उनको बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये जो कल की एक्सपायरी है उसकी जो जद्दोजहद है वो थी, और आज आप देखेंगे 9,000 करोड़ की FIIs ने बाइंग की, वहीं पर 4,000 करोड़ की DIIs ने सेलिंग की। तो बहुत बड़ा फिगर, DIIs का भी आसपास में इतना बड़ा सेल का फिगर नहीं है, ना ही FIIs का आसपास के दिनों में इतनी बड़ी जो है बाइंग की फिगर। हालांकि इसमें से कुछ ब्लॉक डील भी होंगी, लेकिन उन सब के बावजूद भी ये चीज बता रही है कि भाई अब DIIs भी इस लेवल पर अच्छा खासा माल बेच सकते हैं, क्योंकि DIIs एक अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर बैठे हैं। और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो AMC वाली कंपनियां हैं या जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वो कभी भी सेलिंग कर सकते हैं, और आज भी उन्होंने अच्छी सेलिंग की है। तो यहाँ पर अभी भी हमारे बाजार अगर मिड कैप और या फाइव स्मॉल कैप के अंदर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा स्कोप मिल जाएगा, लेकिन लार्ज कैप अब जो है काफ़ी ओवरवैल्यूड हमें नजर आ रहा है। और जैसे मैंने आपको 1-2 दिन पहले कहा था कि देखिए अब इंडेक्स को मैनेज करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, कल ही मैंने कहा था कि रिलायंस को खड़ा कर देंगे, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड को खड़ा कर देंगे, बाजार चल जाएगा, आज वैसा ही हुआ। SBI, ITC, HCL टेक, बजाज फिंसर और इंडसइंड कमजोर थे। NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज ठीक थी, कल खराब थी, लेकिन आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव ही रहती है बाजार के तेज होने के बाद भी। आज हालांकि बाजार की तेजी के साथ तेज थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, सीमेंट और पावर ग्रिड, ये सब तेजी में थे। मेरा ये व्यू भी है कि जो प्रॉफिट बुकिंग होगी उसमें IT शायद नहीं गिरेगा, अब IT शायद साइडवेज हो जाए या कम गिरावट आए। मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल्स हैं, जो ऑटो हैं और इवन जो है ऑयल रिलेटेड कंपनीज हैं इंक्लूडिंग द मेटल्स, यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बुकिंग का सेशन देखने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा। कल के डेटा हालांकि देखिएगा मजबूत है अभी कल के डेटा, लेकिन ये कभी कभी ना बहुत बुरा तरीके से भ्रमित करते हैं, और एक्सपायरी डे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा। इंडसइंड बैंक, SBI, ITC, HCL टेक और सन फार्मा कमजोर थे। और आज देखिएगा सबसे अच्छी जो मुझे जो सेलिंग नज़र आ रही थी वो आ रही थी SBI में। SBI हालांकि 1% की कमजोरी के साथ ही काम कर रहा है, 15.6 मिलियन वॉल्यूम्स के साथ काम कर रहा है। डिलीवरी परसेंटेज भी सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जब डिलीवरी आप परसेंटेज को देखते हैं तो आप खाली बायर के एंगल से क्यों देखते हो, अरे सेलर ने भी तो माल बेचा है। तो यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंटेज है बैंकों में अच्छी चल रही है, 60 और 70% के बीच में मेजर जो बैंक्स हैं उनमें। लेकिन यही बात आपको समझनी है कि आपको इस तेजी में मंदी क्यों जो है शराब बोल रहे हैं। रीजन ये है कि भाई जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तेजी करते हैं, शेयर्स को उठाते हैं उठाते हैं उठाते हैं, और मंदी करने वाले के सौदे कटते रहते हैं, और मंदी करने वाले को भी ये लगता है कि अब मंदी नहीं होगी, और वो जब तेजी करना शुरू करता है मंदी वाला भी अपनी मंदी काट के तेजी में बैठ जाता है, और जिसने तेजी कर रखी है उसको तो अपना माली तो छोड़ना है। वो एक ऐसे लेवल पर बाजार को ले आता है जहां पर कि मंदी करने वाले ही माल खरीदने के लिए तैयार हो जाए, और उस समय पर वो एक डिस्ट्रीब्यूशन या अपनी पोजीशन मंदी की बनाते हैं, और उसके कुछ समय बाद बाजार जो है नीचे का रुख करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिन्होंने पहले मंदी की वही अब बायर बन गए, तो उनको डबल साइड से जो है उनकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। और वही स्थिति जो है मुझे लग रही है कि जितने भी मंदी करने वाले लोग थे या तो उनके स्टॉप लॉस कट गए या उनका मन बदल गया भाई हम ही तेजी कर लें, और यही बाजार के अंदर जो है मतलब रिवर्सल के जो है मेजर साइन आते हैं। निफ्टी बैंक, देखिए निफ्टी बैंक आज दिन भर माइनस में रहा, लेकिन लास्ट के आधे घंटे के दौरान 3 बजे के बाद जो है ये रनअप आया। ये रनअप इसीलिए था कि शॉर्ट कवरिंग करानी है, और जिन्होंने पुट बेचनी है भैया पुट बेचो। और कल का जो एक्सपायरी का जो ट्रेड है वो 43,000 के आसपास, बहुत ज़्यादा स्ट्राडल जो है बड़े प्लेयर्स ने बेच रखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 43,000 के आसपास ही कल निफ्टी बैंक एक्सपायरी करने की मूड जो है बना सकता है। या एक दूसरा भी हो सकता है कि भाई पुट राइटर्स जो है उन्होंने बहुत सस्ती सस्ती पुट बेच रखी है, पुट राइटर को ट्रैप भी कर सकता है इंडेक्स। हालांकि निफ्टी का भी आपको स्क्रीन पे मजबूती दिखेगा, हालांकि उतना मजबूत नहीं है जितना निफ्टी है, और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन में है, तो पिछले 5 दिन से 5-6 दिन से इसी के आसपास 43 के आसपास घूम रहा है। हालांकि आज जो है एक हाइएस्ट एवर जो है क्लोजिंग निफ्टी ने भी दी है और बैंक निफ्टी ने भी दी है। HDFC बैंक आज लीड कर रहा था, उसके बाद ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस और AU। हालांकि देखिएगा HDFC बैंक तो बाद में चला है,
लेकिन सुबह से जो मजबूत था वो था कोटक महिंद्रा बैंक, दोपहर से ही मजबूत हो गया था फिर एक्सिस भी, और आज दिन भर कमजोर रहा SBI। तो कल हो सकता है SBI को उठाने की कोशिश हो, या मुझे अब पर्सनली ऐसा लगता है अब जिसको उठाना है उठा लो और बस अब बाजार जो है एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अभी जो है बाजार फुली फुली मैं आपको बोलूं एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से ट्रेड कर रहा है। जब भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से बाजार ट्रेड करता है, जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे हटके बाजार ट्रेड करता है, तो हमें जो है थोड़ा सा कोशिश रहने की ज़रूरत होती है, और वो ही चीज़ जो है अभी हम डील कर रहे हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक, और मैं देखिए बंधन बैंक में एक ही बात बोल रहा हूँ रोज, और शायद आप 5 रुपये और लगा लो बंधन बैंक, बंधन बैंक में भी अगर आप प्रॉफिट में है तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी 210 के आसपास लिया था बंधन बैंक में, भैया कल प्रॉफिट बांध लेना। अभी शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपके साथ यही बात कर रहा था भाई बंधन बैंक में पैसे बनते हुए नजर आने चाहिए, और वो बन गए। आप बंधन बैंक में ज़्यादा लालच ना करिएगा आप जो ट्रेडर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स हैं लंबे समय के तो कोई बात नहीं, बने रहिए। मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो 245, 250, 255 जहां पर भी कहीं जाएगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग का सीन 1 या 2 दिन में आता हुआ नजर आएगा। निफ्टी के अंदर तो जो तेजी थी उसका मुख्य श्रेय है FIIs को, 9,000 करोड़ की जो है FIIs की आज बाइंग थी, 4,000 करोड़ की DIIs ने सेल की है, तो DIIs की भी इतनी बड़ी फिगर बहुत दिनों के बाद है। हालांकि FIIs ने हर जगह इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग की है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग की है, और इसके अलावा जो है FIIs ने इंडेक्स ऑप्शन भी बाय किया, तो इसमें से कुछ ना कुछ हेजिंग है। तो मुझे बेशक से इतने मजबूत फिगर है, लेकिन मैं अभी भी कॉशियस जो है मेरा व्यू है। और पुट कॉल रेशियो देखिएगा एक एक्सट्रीम लेवल पर आ गई जहाँ पर बाजार ओवरबोट सिचुएशंस में होते हैं, और बाजार की तेजी के साथ पुट कॉल रेशियो पुट बेचने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुट राइटर्स हैं इनको बाजार बहुत ही जल्द ट्रैप करने वाला है, और इस तरीके से जो पुट राइटिंग हो रखी है पुट राइटर्स कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। और बैंक निफ्टी में हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पुट राइटिंग जब बाजार चला तो पुट राइटिंग भी जबरदस्त हो गई थी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मामूली सी गिरावट है, यानी कि 200 पॉइंट किसके लिए कुछ भी नहीं है। और हालांकि देखिएगा डाउ जोन्स को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम फॉलो करने जाएंगे तो फिर देखिएगा उसको अच्छे से फॉलो करते हैं फिर, हालांकि अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $85 पे आ गया है, और आज भाई सब निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देख के तो ऐसा लगता है कि बल्कि कल बाजार खुलना ही बहुत तेज चाहिए। सब ने अनवाइंडिंग कर ली, सारी की सारी कॉल अनवाइंड हो गई, और 18,800 18,900 पे शिफ्टिंग हुई है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि अभी भी है राइटिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आज नई राइटिंग नहीं हुई, पुरानी में से अनवाइंडिंग हुई है। 18,700 के ऊपर अब पुट राइटर एग्रेसिव हो गए, पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त होगी, जो कल तक मिसिंग थी वो पुट राइटिंग लास्ट के आधे घंटे में, जो लास्ट के आधे पौने घंटे में ट्रेड चला है तब ये सारी पुट राइटिंग हुई है। अब इन पुट राइटर को ट्रैप कर रहा है बाजार या ये सच में तेजी है, ये कल आपको पता चलेगा। और सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी के ऊपर भी है। तो अभी मैं आपके साथ यही कहूँगा कि भाई अभी अभी मैनू नहीं बनना है, अभी जो है अर्जुन की तरह थोड़ा सा साइड में बैठना है, और हम इंतज़ार करेंगे कि भाई बाजार जैसे यू टर्न ले तो अपनी मंदी की पोजीशन से एग्रेसिवली कैसे बनाए। हालांकि अभी भी मैं एज ए डिस्क्लोजर बता दूँ मेरी पोजीशन मंदी की हैं, लेकिन हेज के साथ है, और मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि यहाँ से बाजार एक तकरीबन 10% का जो है डिप बहुत ही जल्द जो है आपको देता हुआ नज़र आना चाहिए। अब वो जल्द का मतलब ये नहीं है कि कल ही हो जाए, हो सकता है कि अगला, अभी तो क्योंकि हम अगले महीने में आ गए हैं और दिसंबर में शायद आपको ये अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आनी चाहिए, क्योंकि आप बाजार की तेजी देख रहे हो। बड़े प्लेयर्स, बड़े स्मार्ट प्लेयर होते हैं, वो FNO के शेयर्स को उठाते हैं, तो डिलीवरी में माल को उठाते हैं, फ्यूचर्स प्लस कर लेते हैं और ऑप्शंस के थ्रू हेज कर लेते हैं, बाजार को ऊपर ले जाते हैं जब सब लोग तेजी में होते हैं, तो ये लोग मंदी बना लेते हैं, उस समय पर पहले अपनी फ्यूचर्स को बेचते हैं और फिर बाद में डिलीवरी को छोड़ते हैं। क्योंकि बाजार में अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी, लोग मंदी में फंसे होंगे, तो उनको अपने सौदे कवर करने पड़ेंगे, और फिर ये लोग जो है जो स्मार्ट प्लेयर है वो ऊपर से अपने सौदे पहले फ्यूचर्स में डेवलप करते हैं, और बाजार में तेजी चल रही होती है उस समय पर, और जब उसके अंत में होते हैं तो वो अपना जो भी डिलीवरी वो लिया हुआ माल है उसको ऑफलोड करते हैं, और बाजार में एक अच्छा फॉल जो है देखने के लिए मिलता है। तो इस बात की जो संभावना है हमें लगती है ऊपरी लेवल पर, और अब की बार भी हमें सिमिलर व्यू जो है बन रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि सितंबर के लास्ट 7-8 दिन में जो गिरावट हुई थी तब भी अब मेरा सिमिलर तरीके का व्यू था, हालांकि उस समय पर भी हम 6-7 दिन
जो है डिले हो गया था, और अभी की आर जो है वो 6-7 दिन हो चुके हैं, तो हो सकता है कि 2-3 दिन और भी लग जाएं, क्योंकि इस बार का जो राइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है, तो फॉल भी बढ़िया वाला आने की चांसेस है। और मुझे लगता है कि 2000 से लेकर 3000 पॉइंट तक का निफ्टी बैंक के अंदर दिसंबर के अंदर एक फॉल की जो है हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। और आज की चर्चा केवल यहीं तक, और कोई भी निवेश लें, ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, और अभी चार्ट के ऊपर देखना चाहोगे तो भाई मजबूती दिख रही है, और चार्ट के बाहर देख के अगर साइकोलॉजिकली देखोगे तो मैंने आपके साथ जो स्टोरी बताई है मुझे उस स्टोरी के हिसाब से आगे बाजार ट्रेड करता हुआ लगता है। तो ये तो थी आज की इस एनालिसिस की बातें। इसके अलावा देखिएगा जो अल्फा मेंबर्स हैं उनके लिए जो स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आज ही तकरीबन आधे घंटे या एक घंटे के बाद जो है एक घंटा लगा लीजिएगा वो शेयर जो है हम आज आपके साथ डिस्कस करें। हो सकता है कि वो 12 बजे के बाद आए तो वो 1 तारीख ही हो जाए, तो स्टॉक फॉर द मंथ जो है आज ही हम जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।